ब्रेकिंग न्यूज, बीसीसीआई ने बनाया रवि शास्त्री को टीम इंडिया का नया कोच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्नोवी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। का नया कोच कौन बनेगा, इस सस्पेंस से पर्दा उड़ गया है। बीसीसीआई ने रवि शास्त्री को टीम इंडिया का नया हेड कोच चुना है। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण की सदस्यता वाली सीएसी ने सोमवार को शास्त्री समेत 5 कैंडिडेट के इंटरव्यू लिए थे। आपको बता दें कि रवि शास्त्री पहले भी टीम इंडिया के बैक पद पर रह चुके हैं और कोच का कार्यभार संभाल चुके हैं। शास्त्री और विराट कोहली की केमिस्ट्री बहुत अच्छी मानी जाती है। रवि शास्त्री अब 2019 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा हाल ही चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से बुरी तरह हारने के बाद कुंबले ने कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। विराट कोहली और कुंबले के बीच काफ़ी दिनों से दांव चल रहा था और इस बात का खुद कुंबले ने खुलासा किया है। फ्रेंड्स, बता दें कि इंडिया के पहले चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव को कुंबले काफ़ी समय से टीम इंडिया में खिलाना चाहते थे, पर कुछ कारणों की वजह से विराट कोहली ऐसा नहीं चाहते थे। अगर फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।